जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन योर ब्यूटीफुल चैनल एवरी स्टडी। सो गाइस, पिछले दो वीडियोस में अपन पढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे अल्बर्ट स्पेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके बाद डायमेंशन एंड बेसिस पढ़े। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आपको कार्ड में दिख जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन का मतलब वो है कि इस क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी फंक्शन अपन यूज कर रहे हैं, कि इस क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी फंक्शन अपन यूज कर रहे हैं वो सारे स्क्वायर इंटीग्रेबल ही है। वो जो सारे फंक्शन है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल ही है। जो भी फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होता है वो इस क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, और इसके नाम से भी अपन थोड़ा इसको समझ सकते हैं कि स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है ना। तो समझिए कि स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में, कि देखिए एक बार अपन इसके नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायर करके इसका इंटीग्रेशन कर दे, और वो चीज अगर एग्जिस्ट करे, कुछ वैल्यू मिले स्क्वायर करके किसी फंक्शन का। मान लो साई एक्स, अपन एक फंक्शन लिया इसका, मैंने ये बाद में समझेंगे अपन ये चीज, लेकिन अपन थोड़ा नाम से इसको परिचित हो जाते हैं ना। तो देखिए कि इसका अगर स्क्वायर कर दे इस फंक्शन का साई एक्स, मान लो अपने एक्स लिया तो स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करें, अगर वो एग्जिस्ट करे तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज ए स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। या फिर एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि कुछ वैल्यू आ जाए हमारे पास, यानी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आए। ठीक है, चलो अब अपन इसको ऑफिशियली समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ए फंक्शन साई एक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन इफ स्केलर प्रोडक्ट। ये जो मैंने अभी बोला था कि इसका स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करना, इसका मतलब यही टेक्निकल लैंग्वेज में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इट टू इटसेल्फ इज फाइनाइट। यानी अगर ये दो फंक्शन, ये फंक्शन है साई, इसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट, यानी जो ये हो रहा है अंदर, हमेशा ध्यान रखना कि इस इंटीग्रेशन के अंदर स्केलर प्रोडक्ट ही होता है ना। तो अगर इसका अपन स्केलर प्रोडक्ट करें, यानी स्केलर का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है ना। तो अगर स्केलर प्रोडक्ट करे तो उसके वैल्यू अगर फाइनाइट आती है तो अपन उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, चलो तो यहाँ अपन ने शुरू से पढ़ा है कि भाई यहाँ साई एक्स स्टार साई एक्स डीएक्स होता है, यानी साई एक्स क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पर स्टार इसलिए लगाया क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। फिर मान लिया कि ये जो फंक्शन है ये रियल फंक्शन है, इसमें कॉम्प्लेक्स वाली कोई चीज नहीं है, तब तो इसका स्क्वायर हो गया भाई। ये साई अगर रियल फंक्शन है तो ये दोनों का स्क्वायर एग्जिस्ट कर दिया है ना। तो स्क्वायर डीएक्स अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई तो ये हमारा स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया। ठीक बात, चलो। और एक बात ध्यान रखनी है कि ऑल दी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, जो भी वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है इन क्वांटम मैकेनिक्स आर स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं। ठीक, अब अपन थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन पढ़ लेते हैं। होता क्या है नॉर्मलाइजेशन, किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज करना क्या होता है ना, समझना कि अगर हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिमिट लगाएं किसी फंक्शन के ऊपर, और अगर उसका वैल्यू वन आ जाए, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी अगर किसी फंक्शन पर लगाएं और उसका इस प्रकार से स्केलर प्रोडक्ट करें और उसका वैल्यू वन आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग समझती है, समझना क्या होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पेस मस्ट बी इक्वल टू वन। यानी पूरे स्पेस के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल टू वन ही होती है। आपको पता है 10th क्लास में पढ़ के आए कि प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वन ही होती है किसी भी इवेंट के होने की। ठीक है, तो ये सारा आप नोट कर लीजिए, और आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए आने वाले हैं एमएससी लेवल पर। इनिशियली जो बैकग्राउंड उठता है बुक के, जो लैंग्वेज कैसे क्या होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और आपको बहुत सारा इसमें वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।